फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति एजुकेशन सेंटर। तो लास्ट वीडियोस में हम बात कर रहे थे टेंसेस के बारे में, टेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, और मैंने ये भी कहा था टेंसेस से आप स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का फॉर्म करना सीख जाएंगे। और आई होप अब आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर भी लिए। मैंने हर टेंसेस पर दो दो सेपरेट वीडियोज बनाई थी, एक में मैं पूरा स्ट्रक्चर तक बताती थी और सेकेंड में आपकी प्रैक्टिस, कुछ कॉमन मिस्टेक्स ये सब बताती थी। और इसके बाद मैंने एक पूरा टेंसेस का 1 आवर का वीडियो भी बनाया है आपके रिवीजन के लिए। तो अगर आपको टेंसेस लर्न है और आपको जल्दी से क्विक रिवीजन करना है तो मेरी 1 आवर वाली वीडियो को जरूर देखना, उससे आप क्विक रिवीजन कर पाओगे, सारे ही टेंसेस आपको 1 आवर में मिल जाएंगे। लेकिन 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 फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब हमें तो अब इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना आ जाना चाहिए। अब तो हम कोई भी टाइप का सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फिर आज मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पैसे वॉइस। अब ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, ये हम क्यों पढ़े। अच्छा, अब कहानी में यही तो ट्विस्ट है। अब देखिए, मैं एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। हम टेंसेस ऐसे पढ़ते थे, अफर्मेटिव की पहचान क्या होती है, परफेक्ट की पहचान। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक द फूड, हो गया। सब तो पता है, मैं पीछे तार होते ही आ रहा है, तो क्या हो गया ये क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और पूरा हमें रूल भी पता है, आई कुक द फूड, जैसा कि मैंने बताया है आपको। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे कहूं, खाना बनाया जाता है मेरे द्वारा, या खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है, मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, मेरी मर्जी। मैं नहीं बोल रही, मैं खाने पर फोकस करना चाहती हूँ, मैं अपने पर फोकस नहीं करना चाहती, यानी कि मैं सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर रही। आई कुक द फूड मैं कैसे कर रही हूँ, खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या इसकी वही इंग्लिश होगी? नहीं, जब हम हिंदी में दो तरीके से बोल रहे हैं तो इंग्लिश में भी तो इसका दूसरा तरीका होना चाहिए ना बोलने का। अरे अब ये क्या हो गया, अब ये भी कोई चीज हो गई लर्न करने वाली। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं वॉइस। वॉइस मतलब आवाज, हम किस वॉइस में बात करना चाहते हैं, किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, वॉइस टू टाइप्स की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और आज से हम अपनी वीडियोस पर लर्न करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। अच्छा, फिर एक्टिव वॉइस का क्या होगा, मतलब हमें एक्टिव वॉइस भी लर्न करना है, पैसिव वॉइस। तो एक आपको बता देती हूँ मैं, जो भी आपने टेंस पढ़े ना वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस आप लर्न कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक्टिव वॉइस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत है पैसिव वॉइस पढ़ने की। अब क्या मतलब, जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट पहले आता है, वो बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस कौन से होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर हर सेंटेंसेस का ये होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हर सेंटेंसेस का ये होता है, मैं यही बोलती थी। लेकिन हम अगर वॉइस चेंज कर दें, अपना फोकस चेंज कर दें, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी आती है, कोई भी पैसिव वॉइस ऐसा नहीं होता जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्लस एक और चीज, मेन वर्ब की इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ आपके लिए एक चीज इजी हो जाती है, आपको ये नहीं देखना पड़ता फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या मुझे एस या एस लगाना है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है या फिर मुझे थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हर में थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। और सब्जेक्ट को कैसे लिखती है, बाय के द्वारा, मैं पूरा एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी, डोंट वरी स्टूडेंट। ये मैंने जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, जैसे कि मैंने टेंसेस से बताया था। एक और बात, अगर आपको पैसिव वॉइस सीखने हैं, या कह लीजिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने हैं, तो उसके लिए आपको लर्न टेंसेस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर आपने टेंसेस अच्छे से लर्न नहीं किए हैं, तो पहले मेरी वीडियोस में जाके आप टेंसेस को लर्न कीजिए, और उसके बाद ही आप पैसिव वॉइस पर जाइए, तो आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएंगे। अब जितने टेंसेस उतने पैसिव वॉइस, यही आप सोच रहे होंगे, प्रेजेंट, बिल्कुल सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, अरे बाप रे, यानी 12 पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पर भी एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, 12 पैसिव वॉइस नहीं होते, केवल 8 पैसिव वॉइस होते हैं। ये कैसे हो गया, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इनके पैसिव वॉइस होते ही नहीं है, अभी ये 9 हो गए। अब एक और किसका नहीं होता, एक और होता है कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते, यानी कि उस पर हम ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते। तो केवल एक पैसिव वॉइस है, सबसे अच्छी न्यूज, अब आप लोग खुश हो जाइए, ये है आपके लिए। अच्छा, मैंने ये बता दिया एक्टिव से पैसिव में जाना, ये क्या होता है, ऐसा क्यों करना होता है हमें? जैसा कि मैंने बताया, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो सब्जेक्ट पर फोकस करे, जो क्या बताता है, व्हाट डज सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट कर क्या रहा है। राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग द फूड, लेकिन राम खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, यानी खाना खाया जा रहा है राम के द्वारा। तो मैंने किस पर फोकस कर दिया, इस पर खाने पर, फूड पर मैंने फोकस किया, ना कि राम पर। जब भी हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने हीरो बना दिया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पर आ गया, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में था तो हम ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा, ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं था, उसका भी बन जाता था टेंस, जैसे राम प्लेस, सीता सिंह, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट का होना, जैसे मैंने बताया, कंपल्सरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ, मैं क्या बता रही हूं, ये वॉइस देखिए, इससे समझिएगा। आई प्ले क्रिकेट, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं या खेलती हूं, और आप पहचान भी चुके होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ क्या यूज हुआ, ऐसे ही इस नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म यूज, ये ठीक है, वो हो गई बात की बात। अब तो आप इसमें टेंसेस में एक्सपर्ट हो चुके हो, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, यानी कि टेंसेस के सेंटेंस ही हो गए एक्टिव वॉइस। तो इसमें देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर अब ये वॉइस कहां से आ गया, पैसिव, हमने सारे सेंटेंसेस सीख तो लिए, आ गया मैं क्रिकेट खेलती हूं। अच्छा, अब इस पर मेरा फोकस कम है और इस पर मेरा फोकस ज्यादा है, आई, मैं क्रिकेट खेलती हूं, मैं, लेकिन मुझे क्रिकेट पर फोकस करवाना है, मैं कौन खेलता है, ये थोड़ी सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं, मेन फोकस क्या खेला जा रहा है। तो मैं इसको कैसे करूंगी, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो पीछे से क्या था, जाता है, ता है, लेकिन जा, लेकिन इसको गो वेंट, गोन मत लगा देना, ये वो वाला जाना नहीं है, ये वॉइस वाला जाना है जिससे हम बोलते हैं, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है, या फिर क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका है, ठीक है। तो सब में जा, गया, ये सब आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं होता इधर। हम जब भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो हमारी वॉइस इस तरह की निकलती ही है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, यानी कि अब देखिए ये क्या हो गया इधर, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, और मेन चीज पर देखिए सब्जेक्ट कहां चला गया, पीछे। ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सब्जेक्ट इधर चला गया। अब ये क्या हो गया, इसमें इस क्यों आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है अफर्मेटिव में, नहीं, लेकिन मैंने आपको इधर ही बताया है हेल्पिंग वर्ब आती है। और मैं हर पैसिव वॉइस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि एट पैसिव वॉइस है तो मैं एट वीडियोस में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, तो डोंट वरी, इसमें इज आएगा, किसी में वॉज भी आएगा, किसी में बीइंग आएगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की हमेशा रहती है। मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि पैसिव वॉइस होते क्या है, क्यों होते हैं, क्या हम पैसिव वॉइस का रियल लाइफ में यूज भी करते हैं, हाँ करते हैं, इसलिए तो बने हैं रूल। जब आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो इंग्लिश में भी तो कोई ना कोई इसका रूल होगा, सेम नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या इनमें चेंज होता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सबसे पहले आप समझ जाइए ये पैसिव वॉइस लग रहा है। लेकिन अब आप कहोगे परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म आता था, हाँ लेकिन और भी चेंजेस है, फिर इसके बाद से वो डाउट करके आप जाइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, इसके साथ कभी थर्ड फॉर्म लगती थी किसी टेंस में, नहीं, हम कंटिन्यूस में इजारम लगाते थे, ठीक है, उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता था, जो हम बोलते थे आईएनजी कंटिन्यूस मींस आईएनजी, कंटिन्यूस मींस आईएनजी,
लेकिन इसमें इज लग रहा है थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस हो गया। तो मैं आगे आपको एग्जांपल देकर भी बताऊंगी, जस्ट आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो पहले आप बस ये जान लीजिए, मोटा मोटा मैं आपको ये बता रही हूँ कि आखिर ये होता क्या है। रवि बिल्ट दिस हाउस इन 2003। अब ये हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनेट है, ये भी मुझे डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, सब लोग पढ़ चुके हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आपको टेंसेस अच्छे से लर्न कर लीजिए अगर आपको पैसिव वॉइस सीखने हैं। विदाउट टेंसेस के आप पैसिव वॉइस लर्न नहीं कर सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें इसकी पहचान होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज लगती है, जो कि मैं बताऊंगी पास्ट इंडेफिनेट में कैसे। लेकिन थर्ड फॉर्म पर, मेन फॉर्म पर आप फोकस कीजिए, मेन वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हो रही। दिस हाउस, और पहले यहाँ पर क्या आ गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट आया ही। दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 2003 बाय रवि। हमारा फोकस सडनली इस पे आ गया, रवि ने ये हाउस बनाया। एक्टिव में फोकस क्या था, सब्जेक्ट पर, और दिस हाउस किस पर आ गया फोकस, ऑब्जेक्ट पर। दिस हाउस, ये घर बनाया गया रवि के द्वारा, और इसमें रवि ने ये घर बनाया, यानी रवि ने, मैंने ये घर बनाया। और जब मुझे ये घर इस टाइप से होता है, यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है, एक्टिव वॉइस फोकस करते हैं व्हाट डज सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट क्या करता है, और पैसिव वॉइस फोकस करते हैं व्हाट इज वर्क गोइंग ऑन, काम क्या हो रहा है या काम क्या किया जाता है। जैसे कि हाउस का बनना, ये काम हो गया, यानी सब्जेक्ट सेकंड प्रायोरिटी हो गई। तो इस टाइप से आपके हो गए वॉइस। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, वॉइस टू टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्यों हमने पढ़ा, क्या हम टेंसेस से नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी इनका यूज करते हैं बोलने में। जब हम हिंदी में यूज करते हैं तो इंग्लिश में भी तो इनके कुछ रूल्स अलग से होंगे, जिससे हम पहचान सके आप फोकस किस पर कर रहे हैं। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करना हो, यानी कि एक्टिव कैसे हो गए, हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे अपनी चाल चलते हैं। लेकिन जो पैसिव वॉइस होते हैं, जो वो होते हैं, वो सीधे सीधे अपनी चाल नहीं चलते, वो घुमा फिरा के ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट, सब्जेक्ट को उधर शिफ्ट कर, हेल्पिंग वर्ब लगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, इस टाइप से चेंज करते हैं टेंस। हमने बात कर ली, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, यानी कि पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, और लास्ट में जब ऑब्जेक्ट आता था वहां बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो उसको जो अपना केस वो सब्जेक्टिव भी तो करना पड़ेगा, वो शिफ्ट हो रहा है, या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, तो कुछ तो उसमें चेंज होगा उनके कुछ केस में। जैसे कि आपने दो तरह के केस आप जानते हो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, जिसकी बात हम इसमें नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह लेता है तो उसका केस ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह लेता है तो उसका केस सब्जेक्टिव बन जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते, आई प्ले क्रिकेट, और इसको मैंने पैसिव वॉइस में कैसे ना, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, लेकिन यहाँ मैंने आई को मी में चेंज कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ मैंने आई नहीं लगाया, ये तो ऑब्जेक्ट था जो क्रिकेट नेम है, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। लेकिन जब ही, शी, यू, दे लग रहा हो, वहां पर क्या चेंज आ जाता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में। अच्छा देखिए, क्रिकेट आ गया सब्जेक्ट की जगह, क्रिकेट तो नेम, तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है, है ना, प्रोनाउन नहीं है ये इस। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, लेकिन आई जाना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो इसका केस भी कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। जब वो ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आना पड़ेगा, तब वो जाके वहां एडजस्ट हो जाएगा। ये भी एक छोटा सा, थोड़ा सा ट्रिकी चीज होती है, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आई है और हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आई को हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, तो उसका बन जाता है मी। इसी तरह से मी है अगर ऑब्जेक्ट, तो उसका बन जाता है आई, अपोजिट हो जाता है, वी की जगह बन जाता है अस, यू की जगह, यू का यू ही रहता है, यू बहुत सीधा सा। फिर से एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय सब्जेक्टिव केस मी। अगर तो वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, You play cricket, cricket is played by you, you का you ही रहता। She plays cricket, cricket is played by her. They play cricket, cricket, they play cricket, cricket is played by, यहाँ पर they नहीं, यहाँ पर आएगा them। जी हाँ, ये mistake कर दी है मैडम ने,
वजह से केस लगा दिया था, यहाँ पर आएगा दे। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय दे इज रॉन्ग, क्रिकेट इज प्लेड बाय वी इज रॉन्ग। जब ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो उसका केस भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये आप लर्न कर लीजिए। आई का मी, वी का अस, यू का यू, शी हर, इट इट, दे देम, ही का हिम। अच्छा, इसका अपोजिट भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव केस में जाना हो ऑब्जेक्ट को, तो सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके केस हो गए, तो ये आपको जरूर ध्यान रखनी है, जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आए और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो उनको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये हम देखेंगे, जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या है, क्योंकि हम सब्जेक्ट की जगह बिठा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो केस भी सब्जेक्ट वाला ही आना चाहिए, और सब्जेक्ट को बिठा रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह, तो केस भी ऑब्जेक्ट वाला ही आना चाहिए। इस तरह से देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस, तो देखते हैं कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर के केवल दो होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट। तो 8 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट वीडियो से मैं 1 by 1 इनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, तो डोंट वरी स्टूडेंट्स। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में, अब तक टेंसेस में हो या आज ही मैंने इंट्रो पर वीडियो बनाई है, इस पर किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। तो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।